आप देखते थे क्लासिक बेस टू S11, हाँ, अब इस गाड़ी पे बहुत ही कुछ हटके दिखेगा आपको। तो सर इसके अंदर हम, ओ भाई, आफ्टर मार्केट टेल लाइट भी हमारी इंस्टॉल कर रहे हैं। हटा दो पर्दा। 5100 रुपए लगेगा दिखाने का। 5100 रुपए? हाँ, हिसाब में काट लेंगे दोनों भाई। वो दिखाई लगेगा 5100। दिखाओ दिखा दो भाई, पेटीएम कर देना सारे भाई आप लोग। तो आज हम आए जे ऑटो रामो रोड सोनू भाई हमारे साथ। सोनू भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। सब बढ़िया भाई, आज क्या दिखाने वाले हो? आज तो आज आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जलवा, ये देख सकते हो भाई, ये जलवा। तो अभी जो है गाड़ी बिल्कुल खुली पड़ी है, समझ में नहीं आएगा तैयारी पे काम क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे तो आप देखते थे क्लासिक बेस टू S11, हाँ, अब इस गाड़ी पे बहुत ही कुछ हटके दिखेगा आपको। तो मतलब एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन में ज्यादा मॉडिफिकेशन के अलावा बहुत कुछ दिखेगा। अभी स्टार्टिंग में देख लो पूरी गाड़ी डैम्पिंग हो रही है, ये देखो ये आपको दिखाते हैं जोटम की। इसके अंदर हम डैम्पिंग करने वाले, काफी बढ़िया डैम्पिंग, बहुत बढ़िया ब्रांडिंग है, बहुत बड़ा ब्रांड है जोटम। और 2.3 mm है, पूरी थिकनेस ऐसी है, बिल्कुल फिटिंग ऐसी चिपक के लगती है, बिल्कुल नॉइस कंट्रोल कर कंट्रोल करके रखती है, नॉइस को पकड़ के रखती है, कहीं बाहर नहीं निकलने देती, इस तरह से इसकी पकड़ है। तो डैम्पिंग के फायदे क्या होते हैं पूरी गाड़ी डैम्पिंग के? वाइब्रेशन खत्म हो जाती है गाड़ी के अंदर से, नॉइज कंट्रोल हो जाती है, बाहर की आवाज अंदर नहीं आती, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती, और गाड़ी में पावर बढ़ जाती है। जैसे सीट में बात है तो सीट में बढ़ जाती है। गाड़ी के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको अलग आवाज आ रही होगी, और गाड़ी के बाहर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको साउंड अलग आ रहा होगा, तो फर्क आपको पता लग जाएगा। एक तरीके से आपकी गाड़ी जो है पूरी साउंड प्रूफ हो जाती है, और अंदर अगर म्यूजिक सिस्टम आप लगवाते हो तो इस गाड़ी में अलग ही आपको आवाज सुनने को मिलेगी। इसमें सिस्टम भी लगेगा, अलग हर चीज बनेगी, आप देखते रहे गाड़ी तैयार होने के बाद क्या जलवा है। तो पूरी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम, ओ भाई, आफ्टर मार्केट टेल लाइट भी हम आज इंस्टॉल कर रहे हैं। यही तो दिखा रहा हूँ मैं, क्या बात है, इसमें पहले चीजें चालू है। सबसे पहली फर्स्ट टाइम भी आपने जे ऑटो भी देखी थी, और अब जो इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो गया, अब इसका स्टॉक हमारे पास भर के अवेलेबल है। तो ये पिलर लाइट और टेल लाइट दोनों लोग वालों, आफ्टर मार्केट वाला मजा आ जाएगा। बाकी पिलर लाइट भी जो है आपको स्मोक कलर में मिलने वाली, और ये भी आपको रेड में भी मिल जाएगी। तो डिजाइन आपको अपडेट मिलते रहेंगे हमारे पास। तो जैसे पूरी गाड़ी आप लोग देख सकते हो, पेंट वगैरह का सारा काम रहने वाला है, इसके साइड पैनल वगैरह है सारा खुल चुका है पूरा, देखो पीछे से बम्पर वम्पर सूरज पूरा खुला हुआ है। अलॉय भी इसके अंदर ब्लैक एंड सिल्वर लगेंगे बेहतरीन। अच्छा, अलॉय भी लगेंगे ब्लैक और सिल्वर, बहुत ही बेहतरीन लगने वाले। तो गाड़ी का अलग ही जलवा हुआ देखने के बाद। तो आपको दिखाते हैं डोर पैनल वगैरह सारा काम रहने वाला है, मतलब बेस टू टॉप कन्वर्जन है ही, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन में भी, और बहुत अलग हटके चीज है, नई चीज देखने को मिलेगी। तो मतलब अच्छा कंटेंट हम लेकर आए आपके लिए। यहाँ देख लो भाई, पावर विंडो का काम चल रहा है, ये कपलर टू कपलर वायरिंग रहती है हमारी महिंद्रा जेन्युइन पूरी, ये कपलर टू कपलर, यहाँ से जो है इसको पूरा कन्वर्ट कर यहाँ पर लाया जाता है, और पूरा इस तरीके से काम होता है। पूरी गाड़ी इंटीरियर में भी इसका काम होने वाला है, तो देख सकते हो छत पे भी पूरी डैम्पिंग हुई है, पूरी फ्लोर पिलर सब कुछ, मतलब पूरा काम डैम्पिंग का इसके अंदर हुआ हुआ है। तो आप लोग देखने वाले हो भाई, बाकी गाड़ी रेडी होती रहेगी, मैं आपको दिखाता रहूंगा कैसे कैसे क्या क्या काम इसके अंदर हो चुकी है। हमारे साथ चामुंडा भाई हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा कुछ भी, तो चामुंडा हटा दें पर्दा, हटा दें, चलो हटा दिया। ये देखो भाई आपके सामने है स्कॉर्पियो क्लासिक S11, जो पहले S हुआ करती थी, आपने बिफोर वीडियो देख ली होगी। अब आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है स्कॉर्पियो S11, कहीं से भी आप देख के बता दो, आपको देख के नहीं लग रही होगी कि S मॉडल है। नहीं भाई गलत बोल गया, क्यों भाई? अल्ट्रा प्रो। तो आज की जो गाड़ी S11 प्रो मैक्स हम बना रखे हैं पहले, ये S11 अल्ट्रा प्रो है, ये S11 अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्रो, अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस, ठीक है भाई। तो आज आपको दिखाते हैं। अच्छा आपने देखा भाई, स्कॉर्पियो एन को हमने XUV 700 बना दिया, XUV 700 को स्कॉर्पियो एन बना दिया, पर आज स्कॉर्पियो क्लासिक को हमने XUV 700 बना दिया आप लोगों के लिए। तो आज आपको दिखाते हैं डिटेल में कि इस गाड़ी के अंदर हमने क्या यूनिक काम करा, बहुत कुछ हुआ है इस गाड़ी के अंदर, नेक्स्ट लेवल। एक मैं आपको तरीके की वीडियो इसमें बताने वाला हूँ, आपको ये वीडियो जो तरीके के रहने वाला है, एक एक चीज डिटेल में दिखाने वाला हूँ। प्राइस वीडियो तो आते रहते हैं, मैं प्राइस के साथ आपको क्वालिटी वर्क भी दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, क्वालिटी वर्क। अंधेरे में हम वीडियो बना लिए, ये लगा दिए इतने के हम इतने डिस्काउंट दे रहे हैं, इतने डिस्काउंट दे रहे हैं, और वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि ये चामुंडा भाई से भी महंगा काम हो रहा है। बिल्कुल, ये देखो हमने तो पूरा उजाला कर रखा है भाई, अंधेरे में नहीं रखेंगे आपको, उजाले में काम होगा, अंधेरे में नहीं रखेंगे आपको। वीडियो में कुछ बोला जा रहा है, और वहाँ पे आने के बाद में चामुंडा भाई
से भी महंगा काम हो रहा है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे जो हम बताएंगे वही प्राइस आपको हम आपको दिखाते हैं कि एस को एस इलेवन बनाने के लिए कितना ज्यादा चेंजेस करने लगाया जाता है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर जो लगाया जाता है, सबसे पहले किया जाता है इसके अंदर बॉडी पेंट, ये देखो, जो इसकी कलर कोडिंग आप दोनों चेक कर सकते हैं, एक कलर और एक कलर दोनों आप मैच कर सकते हैं। देखो भाई, मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा दूंगा, और क्लोजअप चाहिए तो और देख लो भाई, पेंट क्वालिटी आपको ऐसी मिलेगी कि भाई मजा आ जाएगा। चार चांद लगाने वाली पेंट क्वालिटी हम आपको देते हैं। इस पेंट के पैसे हम ज्यादा भी नहीं लेते हैं, बस 15,000 रुपए की कॉस्टिंग होता है हमारे, बस 15,000 रुपए में, बस 15,000। और 15,000 में ये भी बता दो भाई, पूरी बॉडी पेंट करते हैं, सिल्वर करके देते हैं। लोग 15,000 रुपए ले रहा होगा या 12,000-13,000 रुपए जो भी ले रहा होगा, पेंट ये वाला दे ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये बूथ पेंट है, बूथ पेंट मिल ही नहीं सकता आपको। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर हमारा लगाया जाता है हेडलाइट, हेडलाइट जो 15,500 रुपए की कॉस्ट आता है, S11 की विदाउट एलईडी, विदाउट एलईडी 15,500। हाँ, इसके अंदर हैलोजन बल्ब आता है प्रोजेक्टर और ADRL के साथ। हाँ। बाकी इसके अंदर आप अगर वो लाइट अपग्रेड करना चाहते हो तो इसमें एलईडी बल्ब हमें अपग्रेड करना पड़ता है, एलईडी बल्ब अपग्रेड करना पड़ता है। ग्रिल का क्रोम हो गया है, ये 1,800 रुपए के रेंज में लग जाता है, क्रोम 1,800 रुपए में एड ऑन हो जाता है। इसके अंदर फॉग लाइट आ गई, DRL 8,500 रुपए के और 2,200 रुपए की फॉग लाइट विदाउट एलईडी। मत सोचना कि एलईडी भी आपको 2,200 रुपए में दे रहे हैं, हैलोजन बल्ब डाल के लाइन लग जाएगी यहाँ से पीछे तक। लोग फॉग लाइट लगा करके हैलोजन बल्ब के भी 700-800 रुपए जोड़ देते हैं। अच्छा, अलग से जोड़ देते हैं, बल्कि साथ में आता है। इसमें पीली बल्ब लगवाना है व्हाइट, ग्राहक को पीली बल्ब के अगर बोलेंगे तो पीली बल्ब का पैसे अलग जोड़ेंगे, व्हाइट बोलेंगे तो व्हाइट के पैसे जोड़ेंगे। अरे काला बाजारी, बल्कि हम तो जो साथ में किट में आता है भाई, साथ में आता है व्हाइट बल्ब के सिर्फ पैसे लिया जाता है। ठीक है, चीजों से आप बचना, आपको फॉग लाइट के पैसे लिखेगा नीचे बल्ब के भैया, इसमें दो पीले बल्ब भी डला है, ऐसे भी होता है, चीजों से बचना। साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं अलॉय व्हील्स, आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल खतरनाक है, बढ़िया लग रहे हैं, बिल्कुल खतरनाक लुक रहे हैं। ऑडी डिजाइन मिलियन पहुंचने वाला हमारे यहाँ से काम हुआ था, और सेम यही अलॉय लगा था उसके अंदर, पहला उस गाड़ी के अंदर, और पूरी मॉडिफिकेशन हमारे यहाँ। साइड प्रोफाइल में आते हैं, साइड वेंट इसके साथ ही होता है, इसके साथ। अच्छा, अब ये भी बता देते हैं आपको कि हम पेंट में आपको क्या क्या पैकेज में सामान देते हैं 15,000 में। देख लो, हमारा साइड की पूरी पेंट, आगे पीछे साइड पूरी ये हो गया, और हैंडल हो गया, साइड मिरर हो गया, इसका कवर हो गया, हाँ, तो ये सारी चीज, मतलब ये टोटल जितना भी है सब कुछ, सिल्वर की फिनिशिंग देखो भाई, मतलब क्वालिटी में ना आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जैसा कंपनी से आता है ना, हमारी गारंटी ये रहती है कि आपको बिल्कुल 0-0 करके दे काम। मैं कह रहा हूँ, मेरा जो काम करने की एक वो है कि ग्राहक को ना खुश होकर के ना भेजूं। ये गाड़ी मैं सही मायने में आपको बता दूं तो ये गाड़ी की अभी डिलीवरी नहीं है, अरे डिलीवरी नहीं हुई इसकी, ये गाड़ी पूरी तैयार होकर के वापस शोरूम में खड़ा होगा और फिर वहां से डिलीवरी मिलना है। क्या बात है, अभी डिलीवरी नहीं, अभी डिलीवरी भी नहीं हुई है, मतलब डायरेक्ट शोरूम से निकलेगा, डिलीवरी होकर के रिबन कटेगा वहां से और घर, फिर घर जाएगी। मतलब कि शोरूम वाले भी देख करके थोड़ा सा चक्कर खाने वाला कि ये क्या हो गया भाई, लेके तो ये हमसे बेस मॉडल गए थे। जो मैनेजर है वहाँ के, उन्होंने बोल के भी भेजा कि नंबर और कार्ड लेकर के आना उनका। बिल्कुल, तो जयपुर से आई है गाड़ी हमारी। ठीक है भाई, साइड प्रोफाइल में आपको दिखा देते हैं, साइड मिरर विद इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, देखो ऑन करके दिखा देते हैं। इंडिकेटर इसमें हमारा आ जाता है, और एडजस्टमेंट वाला ऑटो एडजस्टमेंट ORVM जो आता है वो आता है। इसके पैसे भी बताइए, ऑटो फोल्ड ऑप्शन नहीं आता इसके अंदर, ऑटो फोल्ड ऑप्शन अगर आप इसमें जुगाड़ करवाते हैं तो कामयाब नहीं है। बिल्कुल, क्या होता है कि इसके अंदर जो गरारी होता है ना, बहुत पतली वायर है जिसके अंदर से 5 वायर निकालने की बड़ी मुश्किल से, अगर हम और वायर डाल के निकालते हो तो इसे कट हो जाता है। बिल्कुल, हाँ। अब जैसे एक चीज आपको एग्जांपल दूं, जैसे कुत्ते की पूंछ आती है, हमारी नहीं आती, हमारे पूंछ थोड़ी लगा दोगे। तुम्हें बात नहीं समझ, जो भी है, बाकी जो भी हमारे S11 वाले होते हमारे, मैंने क्या बोला कि जो जेन्युइन काम होता है मैं वहीं तक करता हूँ। बिल्कुल, मैं एक्स्ट्रा कुछ गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, जिससे वही बात आ गई ना, प्रॉब्लम आ जाए या फिर कंपनी में आपको इंश्योरेंस टाइम में दिक्कत आए। ये तो जबरदस्ती इंसान में पूंछ लगाई जा रही है, ये देख सकते हो हमारे डोर वाइजर कितनी प्यारी लुक आ रहे थे, कुछ क्रोम लाइनिंग वाले देते हैं हम। डोर वाइजर लगाने का भी अलग अलग क्वालिटी आता है, इसकी फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी आ रही है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई, नेक्स्ट लेवल। 9,500 रुपए मैंने प्राइस बताना भूल गया, कंप्लीट फिटिंग करके, साइड मिरर का, डोर वाइजर का नहीं भाई, साइड मिरर का, दोबारा बोल रहा हूँ। और साइड फुटरेस्ट कॉर्नर टू कॉर्नर है, ये कंप्लीट फिटिंग करके 6,500 एस मॉडल में आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता।
खाली आता डब्बा, डब्बा ही आता कंपनी से। और एक चीज और आप ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जो फुटरेस लग करके नहीं आता और कंपनी जबरदस्ती लगाते है फुटरेस, कहते फुटरेस हमारे से लगा लो महिंद्रा ओरिजिनल बाहर लोकल मिलेगा। ध्यान रखना ये आप देखो चार लाइन, ये देखो ये चार लाइन, एक दो तीन चार लाइन वाली जो फुटरेस आएगा ना बीच में, स्क्रीन शॉट ले लो वीडियो में से, स्क्रीन शॉट ले लो। और कंपनी वाले बोले ना फुटरेस लगा दो, तो बोले चार लाइन वाले फुटरेस लगा दो, मैं लगवाने के लिए तैयार हूँ। पर प्राइस जो ऑटो वाला दे रहा है ना, हजार में महंगे भी ले लो कोई बात नहीं, पर ये वाले फुटरेस चाहिए, यही चाहिए। ये कैप के साथ और लगाते हैं, ये पूरा गैप आता है इसके अंदर, गैप नहीं होता। ये देखो ये देखो अंदर, वो जो लगाते हैं ना फुटरेस, वो यहाँ पे गोलाई वाले आते हैं, पतली पतली लाइनिंग वाले काफी लाइनिंग आते हैं, लोकल फुटरेस होता है जो यहाँ पे आकर के ग्राहक हमें कहते हैं इसमें कोई नहीं लगा दो, फिटिंग नहीं आ पाता, जुगाड़ करना पड़ता। ये जेन्युइन पार्ट है, वो एक्सेसरी पार्ट होता है, एक्सेसरी पार्ट है। हाँ हाँ, इस चीजों से भी बचना होता है। इसके अंदर हमारी रूफ रेल बस 5500 रुपए में पकड़ के झूल जाओ 5500 में पकड़ लो भाई से आराम से। दिखा दी हमने साइड प्रोफाइल पूरी, साइड प्रोफाइल में दिखा दिया कि किस तरीके से काम होता है। अब आपको 5500 रुपए हमारे रूफ रेल हमारा ड्रिल करके फिटिंग हो जाता है, कोई इसमें पेस्टिंग नहीं होता। अब इसमें पेस्टिंग वाला मैं आपको गाड़ी में दिखाता हूँ, इधर ये रूफ रेल है पेस्टिंग वाला, इसमें लटक नहीं सकता, बस ये दिखा सकता हूँ। चमुंडाई ने देखो यहाँ पकड़ के झूल गया तो हाथ में आएगा और मैं नीचे। हाँ, ये पेस्टिंग वाला कंपनी ने लगा करके दे दिया इनको, बिल्कुल। और ये फुटरेस इनको लोकल लगा करके दिया था, ये देखो लाइनिंग कितनी लाइनिंग है, पतली पतली लाइनिंग, और ये देखो इसका फिटिंग नहीं बैठ रहा है, देखो यहाँ पे गैप रहेगा, ये देखो ये महिंद्रा वाला ने लगा कर दिया। तो जैसे कि मैंने बताया फुटरेस और रूफ रेल लगा कर दे रहा है, इतनी गलत काम कर रहे हैं डीलरशिप के पास लोग इतनी विश्वास से काम करवाते हैं कि चलो यार बाहर मेरे को लोकल हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिनल मिल जाएगा, पर डीलरशिप जो लोकल चीज लगा कर दे रहा है ना, ये चीज गलत कर रहे हैं। वो खुद को ओरिजिनल महिंद्रा लगा कर देना चाहिए, क्योंकि महिंद्रा में ही हो तो महिंद्रा का एक्सेसरीज पार्ट है, महिंद्रा की एक्सेसरीज पार्ट है, ये एक्सेसरीज पार्ट है, पर ये जेन्युइन नहीं है, पार्ट्स में नहीं है, एक्सेसरीज पार्ट है, जेन्युइन पार्ट्स नहीं है। हाँ, जो एस लेवल में लग के आता वो पार्ट नहीं है, एक्सेसरीज में जो अलग से महिंद्रा ने की तरफ से मतलब आता ये डमी हो गया एक तरीके से, डमी कह सकते हैं इसको, अलग से हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, वो चीज है महिंद्रा पार्ट। प्रोफाइल में आ गए हैं, तो इसमें हमने जो जादुई चीज लगाई है वो है यहाँ पर, आप देख सकते हो आफ्टर मार्केट टेल लाइट स्कॉर्पियो की, जो फर्स्ट टाइम इन इंडिया आपको हमारे चैनल पे देखने को मिली थी, अब इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल भी हुई है, उस गाड़ी में भी लगी थी, इसमें भी लगा के दिखा रहे हैं आपको। ये देखो भाई कितना बढ़िया है, टेल लाइट और पिलर लाइट के साथ इस गाड़ी की गेटअप भी अलग है, मजा आ गया, चार चांद वाली चीज हो गई, ये देख सकते हो भाई। इसके अंदर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाएगा, ब्रेक पे देखो कितना तगड़ा डिजाइन है, क्या बात है भाई, मजेदार लग रही है कुछ हटके। वाइपर देख सकते हो, वाइपर वर्किंग हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है, ऑटो कट के साथ जैसा भी चल के वापस अपनी जगह पे बंद हो गया, पूरा चेक कर भाई, वाइपर चल चुका है हमारा, वाइपर चल चुका है, और ये वाइपर देख सकते हो प्रॉपर कट टू कट चल रहा है। हाँ, सही है, पानी आ गया, पानी आ गया, वाटर स्प्रे आप देख सकते हो इसके अंदर वर्किंग है, वर्किंग है, ऑटो कट देखो सारे फीचर, अपनी जगह पे बंद कर दे, अपनी जगह पे आ गया, बंद कर दो एक बार, बंद कर, सुन भाई ये हो गया हमारी ऑटो कट, इससे हम बोलते हैं ऑटो कट। और ये ब्रेक लाइट, ये ब्रेक लाइट हो गई, ब्रेक लाइट जला के दिखाओ सुन भाई, मेरा पानी आ गया, ये ब्रेक लाइट हो गया, ये अब एस इलेवन में नहीं आता, और कोई भाई कहता है कि भैया एस इलेवन में तो आता नहीं, तो लगाने की क्या जरूरत है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसमें से हटाया गया था जो हमारी पहले वाली एस इलेवन था उसके अंदर आता था, इसके अंदर थोड़ी कॉस्ट कटिंग था। गाइस आपको हमने बाहर का पूरा चेकअप फाइनली करा दिया, अब चलते हैं लेकर आपको अंदर, सबसे पहले डिग्गी दिखाने वाले अंदर हमने क्या करा इसके अंदर, तो ये देख लो भाई पीछे, तो इसके अंदर ऑडियो सेटअप का काम भी हुआ है और सीट कवर की फिनिशिंग देख सकते हो, मैं आपको दिखाते हैं, हम जो हमारा सीट कवर दिखाने लायक है, ये देखो भाई XUV 700 का मजा आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में भी मिलने वाला है। हाँ। एन से लेकर हम क्लासिक तक पहुंच गए। हाँ। क्लासिक को भी 700 बना दिया हमने, बिल्कुल, अभी देख लो महिंद्रा की, ये तो कुछ भी नहीं, अभी मैं अंदर दिखाता हूं आपको, फ्रंट में आओ अंदर, आप लोगों ने देख लिया, आपको दिखाते हैं अंदर का जादू, तो चमुंडा भाई दिखा दो XUV 700, नहीं सॉरी स्कॉर्पियो क्लासिक दिखा दो, हटा दो पर्दा, 5100 रुपए लगेगा दिखाने का, 5100 रुपए, हाँ हिसाब में काट लेंगे दोनों भाई, मुंह दिखाई लगेगा क्या उनसे, दिखाओ दिखा दो भाई, पेटीएम कर देना सारे भाई, आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं तो देखो भाई ये देख सकते हो, डोर पैनल पे भी आप लोग देख सकते हो XUV 700 वाला डिजाइन हमने इस पे पंचिंग वाला, ये देख सकते हो कितनी प्यारा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ दिल छू गया, दिल छू गया, और दूसरी चीज देखो डोर पैनल भी लगाए भाई, डोर पैनल पूरा हमारा लगा इसमें, बस 25,000 रुपए खर्चा आता डोर पैनल का, और एम्बियंस लाइट देख सकते हो K4, एम्बियंस लाइट K4, क्या बात है, कितनी फिनिशिंग से लगी है इस गाड़ी K4, रेनवो की स्पीकर की भी टूटर की प्लेसमेंट देखो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, स्पीकर सेटअप जो था कहीं और सो के आया था, ये टूटर के फिटमेंट मैंने किया,
ट्यूटर के तो फिर वो पीछे ये स्पीकर कहीं और से लग के आया था। ये ट्यूटर ये पता नहीं कुछ इमरान भाई है कोई है साउथ में कहीं है साउथ एक्स में उधर से लग के आया था तो ट्यूटर के प्लेसमेंट में नहीं है। सलमान भाई हाँ सलमान भाई है जो भी है तो ये हमने पूरा किया इसको फिटिंग कर दिया और हमारे पास भी अनुभव मिलता है पर सिस्टम के काम भैया उन्हीं से करवाए थे। बिल्कुल दूसरी बात ये यहाँ पर रश इतना ज्यादा रहता है सिस्टम के काम के लिए पूरे दिन अगर आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी अगर हाँ। सिस्टम का काम यहाँ कराना है एक दिन एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा एक दिन अगर हाई का काम होगा और एक दिन सिस्टम का काम हाई एंड ऑडियो के काम करवाना तो एक दिन स्पेशल आपको सिस्टम के काम बाकी हमारे पास ब्रांड सारे अवेलेबल सारे ब्रांड जो मर्जी ले ऑडियो चाहिए रेनबो चाहिए जेएल ऑडियो डेबॉन्स वगैरह सब चाहिए सब मिल जाए। ठीक है भाई अंदर चलते हैं अब आपको दिखाते हैं मेन पर्दा हटा करके अंदर क्या करा है इस गाड़ी के अंदर हम ये देखो भाई क्या बात है देखो सबसे पहले मीटर आ गया स्टीयरिंग आ गया स्टीयरिंग कंट्रोल आ गया स्टीयरिंग यू आ गया पियानो ब्लैक में। अब आपको मैं फाइनली दिखाने वाला हूँ अंदर का इंटीरियर क्या बात है चमुंडा भाई अंदर तो चार चांदी लगा रखे हैं तुमने पूरा एक्सयूवी 700 वाला मजा आ गया भाई इसमें पूरा नहीं यार पूरा तो नहीं कह सकते मतलब हाँ यार एक्सयूवी अलग गाड़ी है स्कॉर्पियो अलग गाड़ी है पर ये कह सकते हैं उससे सिमिलर काम हमने कर दिया वही वाला बिल्कुल उसी तरीके से मिलता जुलता हमने कर दिया कि सीट कवर एक्सयूवी 700 की डाल दी हमने पूरे इसके अंदर और जो इसके हमने हाफ बॉडी की है 700 टाइप हाँ और जो अंदर बॉडी हमने पूरे हाफ किए एक किए हमने पूरी जेड ब्लैक ये धागा तक जेड ब्लैक यूज किया गया देख सकते हो ये देख सकते हो डबल स्टिचिंग बड़े प्यार से दिखाऊंगा मैं कह रहा हूँ काम करने का एक तरीका होना चाहिए प्रोफेशनल लड़का होना चाहिए बिल्कुल ये देख सकते हो जो काम करने वाला जो स्टाफ है ना सबसे बड़ी बात क्या होता है हमारी जीत नहीं होती मेन जो जीत होती है जो स्टाफ की होती जो स्टाफ अच्छा हो काम करने वाला ये देख यहाँ स्टिचिंग दिखाओ ये स्टिचिंग दिखाओ इधर दिखाओ इस तरफ भी कहीं से आपको कम ज्यादा दिखे लहर मारता हुआ दिखे कहीं से आपको लहर मारता हुआ दिखे बिल्कुल प्रोफेशनल काम रहता है भाई प्रोफेशनल पेस्टिंग ये नहीं कि आज लग रहा है और कल यहाँ पे फूलना चालू हो जाए छत लटकना चालू हो जाए कई चीज होता है ऐसा एक कर करके तो हमारे लड़के के ना एक तरीके से हाथ बैठ चुका है चीजों पे सही है। शुरू में तो हमारे पास स्टाफ आया था काम करते गए काफी सिखाना पड़ा हमें बट अब जा करके फाइनल हो गया बिल्कुल हाँ। बाकी डैशबोर्ड की फिनिशिंग सी डी पिलर जितने भी सारे पिलर है सब हमने हाँ और डैशबोर्ड की फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी है ये देखो पूरा लेदराइज कर दिया हमने इसको प्लास्टिक आता है इसको हमने और ये रेड कलर की देख रहे हो भैया की डिमांड हमेशा एसी वेंट क्रोम करते हैं आज हमने एसी वेंट रेड कर दिया भैया की डिमांड था कि मेरे को थोड़ी सी हटके चाहिए कुछ हाँ थोड़ी सी कुछ हटके टचअप दे दो इसके अंदर रेड कलर की कहीं एक दो लाइन कहीं दे दो तो मैंने यहाँ पे दे दिया तो हमने बिल्कुल हटो बचो वाला काम कर दिया मैं हटके दे दिया अलग चीज ये देख सकते हो भाई काफी बढ़िया लग रहा है यूनिक लग रहा है और यहाँ देख सकते हो आपको साइड मिरर का ये आपको ओवर और जीटी लाइन के मतलब होता है कि बिना रेड की जीटी लाइन नहीं है हाँ। तो थोड़ी सी रेड की थी तो ये जीटी लाइन वाला भी आ गया इसके हाँ, और ये अल्ट्रा प्रो मैक्स सीट कवर आपको देखने को मिलेगा देखो पीछे के भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो ये देख सकते हो भाई सीट कवर हो गए फिनिशिंग काफी अच्छी है 5500 रुपए में हम फिटिंग कर दिए 5500 रुपए हार्मरेस्ट भी आ गया हमारा हाँ 5500 रुपए का स्टीयरिंग बटन आ जाता 1000 रुपए के यू आ जाता इसके अंदर और जो मीटर है दो तरीके का आता है एक तो मीटर 8000 रुपए का आ जाता है और एक मीटर जो आता है 10500 रुपए का उसका राज जानने के लिए आपको आना पड़ेगा जे ऑटो दो क्वालिटी आती है उसका राज जानने के लिए आपको आना पड़ेगा जे ऑटो रामा रोड पर हाँ मैं आपको शॉप पे आपको हाँ, पता लगेगा मैं दोनों चीजों के दिखा दूंगा आपको दोनों मीटर में क्या फर्क है बाकी और आपको दिखाते हैं यार यहाँ पर आज आप लोग बोलोगे कि भाई ये जो स्टीरियो है ये बाहर क्यों निकल के आ गया तो ये आपको बता दे भाई ये पायनियर की लेटेस्ट हाई एंड स्क्रीन है 5550 ये स्क्रीन जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है पायनियर की हमने नहीं करी है हम मतलब भैया खुद लेकर आए थे भैया खुद लेकर के आए थे और वो सलमान भाई से बाकी म्यूजिक स्पीकर लगवाए थे रॉयंस कस्टम गैरेज में उन्होंने करा इसका सिस्टम का हां तो वहीं से हुआ तो ये देख सकते हो भाई ये पूरा कंसोल देख लो आप ये हमने पूरा इसका पियानो ब्लैक करा है अच्छा भाई जो इसके अंदर फ्रेम यूज करा हमने भाई एंड्रॉइड वाला यूज करा है हां जो हमारा रहता है फ्रेम मैंने दिया था इसमें ठीक है और उसके बाद इसमें ये कन्वर्ट वगैरह अगर पता नहीं जो भी है भाई मेरे तो समझ से बाहर है तो भाई ये अच्छा लग रहा है भाई ये जो हाई एंड म्यूजिक के शौकीन होते हैं वो बंदे हमेशा सोनी या पायनियर लगवाएंगे बिल्कुल और जिनको वीडियो देखनी है और ये सब देख रहा है तो वो आप एंड्रॉइड के लिए जा सकते हो बाकी महंगे बहुत आते हैं भाई ये 50-60 हज़ार रुपए का आइटम है कोई नॉर्मल नहीं है ना भाई 55-56 हज़ार रुपए की चीज है उससे बढ़िया तो अपना एंड्रॉइड लगाओ कितने का देते हो तुम स्टार्टिंग कितने से हो जाती है अपने पास 5500 रुपए से और 55-56 हज़ार में जमीन आसमान का फर्क है बाकी जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करवा सकते हो वो आपके ऊपर है तो एम्बिएंट लाइट वगैरह सब कुछ हमने दिखा दी इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का काम करा सकते हो आपको आना कहाँ होगा जय ऑटो रामा रोड मोती नगर DLF के सामने जहाँ पे मिलेगा आपको चामुंडा भाई और सोनू भाई हमेशा आपको मिलेगा सवेरे 10:30 से रात को 10 बजे तक बिल्कुल इस तरीके से आपको आके अपना काम करा सकते हो जय ऑटो और एक बात ध्यान रखना मंडे के दिन ऑफ रहता है मंडे को आना हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं कभी कभी खुलता है मंडे हमेशा ऐसे हम ऑफ रखते हैं
सेवन डे ओपन रहता है, नहीं रहता हमारा, सिक्स डे ओपन रहता है। और बाकी इसके अंदर एम्बियंस लाइट के तो हमने आपको बता ही दिए, रैपिंग दिखा दिए, सब दिखा दिए। सेवन डी मैट हमने नीचे यूज किए, वो देख लीजिए आप, सेवन डी मैट ही देख सकते हो भाई, रियोन कंपनी के हमने इसके अंदर सेवन डी मैट लगाए, हम लोग हमेशा लगाते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी है। हाँ, और डैम्पिंग पूरी गाड़ी, पूरी गाड़ी डैम्पिंग, पूरी गाड़ी डैम्पिंग किया गया। और आप बोलोगे डैम्पिंग 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 से क्या होता है, डैम्पिंग से सबसे फायदा होता है, अगर डोर डैम्पिंग करते हो तो साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाता है, साइडों से नॉइज नहीं आता। रूफ डैम्पिंग कर देते हैं तो सबसे बड़ी बात, अगर कुत्ते वगैरह चढ़ता है तो छत दबता नहीं है, जो देखते हो ना स्कॉर्पियो में छत वगैरह बीच में से दबा हुआ है, लहर इतनी बड़ी छत है, लहर मार के दब जाता है। गर्मियों में एसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, डैम्पिंग से हमारी छत स्ट्रांग हो जाती है। अगर मैं कह रहा हूँ एसी के परफॉर्मेंस हो गया, तीसरी चीज हो जाता है अगर बारिश हो रहा है तो टप 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 जो आवाज आता है ना, वो आवाज नहीं आता है तो काफी मतलब पूरी साउंड कंप्रेशन हो जाता है। और जो नीचे हमने फ्लोर पूरी डैम्पिंग किया, उससे जैसे हमारी 100+ गाड़ी चलता है रोड नॉइज, तो रोड की नॉइज वो खत्म करता है। तो अब पूरी गाड़ी हमारा नॉइज प्रूफ हो चुका है, 80% तो साउंड समझो खत्म कर दिया हमने इसमें से, 20% तो आएगा ही आएगा क्योंकि रोल्स रोल तो है नहीं। तो बिल्कुल भाई, यहाँ से भी आएगा, बिल्डिंग के बीच से आएगा, थोड़ा बहुत साउंड आते हैं, पर ये है कि कह सकते हो भाई 90% तक हटा सकते हैं, 80% 80-85% तक हटा देते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं कस्टमर से बात करते हैं। मैं 100% बोल करके ऐसे बेवकूफ बनाने वाली बातें नहीं करते, जो है क्लियर कट काम करते, क्योंकि काम होने के बाद ग्राहक बोलेंगे अरे भैया आपने बोला था 100% चला जाएगा, गया नहीं आवाज, तो मैं क्या जवाब दूंगा उस समय। बिल्कुल, तो जो है क्लियर कट पहले ही बोला जाता है, हमारे यहाँ पे कोई छल कपट नहीं होता, जो होता साफ सुथरा काम किया जाता है। सही है, तो ये तो हमने आपको सारा चीज़ आपको दिखा दी। अब बात आता है कि जिस भाई ने काम करवाया उनको काम कैसा लगा, और वो आए कैसे यहाँ पे, क्या सोच के आए, और इतने पैसे लगाए और अब ले जा करके डिलीवरी लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ भैया से एक बार बात कर ही लूँ कि उन कैसे। सही है, तो उनसे बात करो। देख लिया गाड़ी फाइनल हो चुकी है, अब मेन बात आती है हमारे कस्टमर का रिव्यू। तो हमारे भैया, भैया क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन नाम है भाई का। भाई कहाँ से आए थे आप? जयपुर। जयपुर से आए थे, तो आप इतनी दूर से कैसे, आपको पता लगा जयपुर के बारे में? वीडियो देख रहा था मैं काफी टाइम से सर के, तो मुझे बेस्ट काम लगा। मैंने इनके ही नहीं बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे कंपेयर भी करा, 3 महीने की सर्चिंग करी पूरी। हाँ। बाद में मैं इनके पास आया, उनके पास आने के बाद भी मैंने सोचा कि मैं 2-3 जगह से काम कराऊंगा। हाँ। तो वो सारा प्लान कैंसिल हो गया, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना यहीं पे ही, यहाँ से हिली नहीं, यहीं से ही जाएगी। हाँ, सारा काम, सारा सब कुछ यहीं से। अब इनकी सिस्टम के सेटअप करना था, तो ये कहीं जाने वाले थे, बट अमान भाई तुमने ही रिकमेंड किया था सलमान भाई के बारे में, कल अमान भाई आए, सलमान भाई यहाँ पे आके फिट करके गए सिस्टम, गाड़ी यहाँ से हिला नहीं, यहीं पे आके फिटिंग करके गया, सब कुछ काम यहीं पे, यहाँ से हिली नहीं गाड़ी, स्टार्ट भी नहीं, एक ही जगह पे टोटल सारा काम हो गया, कंप्लीट कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको काम? काम बढ़िया, जैसा वीडियो में देखे थे, जैसा वीडियो में देखा था वैसा काम नहीं, उससे तो बहुत शानदार काम हुआ है। आप वीडियो में एक डर लगा रहता कि यार क्या होगा नहीं होगा, जैसा देख रहा हूँ क्या पता है वीडियो तक ही तो नहीं है सीमित। इनके बंदे बहुत बढ़िया है, कुल मिला के बात है, ओनर को तो देखो टाइम ही नहीं है। हाँ। पकड़ पकड़ के लेके जाओ, परेशान हो चुका हूँ। हाँ। इनसे तो मैं बंदों को पकड़ पकड़ के लेके आओ, बंदे बढ़िया है, कुल मिला के बात ही है कि इतने नाइस बंदे हैं, एक बार बोल देते वो काम करते हैं, हाँ जी सर हाँ जी सर, रात को 3-3 बजे तक भी काम करें। अगर 10 में से रेटिंग देना चाहो कितनी दोगे? 10 में से अगर मैं परेशान हुआ थोड़ा सा, 4 दिन लगा मुझे टाइम। हाँ। लेके आओ मतलब। हाँ। जो भी आए काम कराओ दो, तो 10 में से 11 रेटिंग है मेरी तरफ से। अच्छा, क्योंकि मैंने जो चाहा ना, मेन चीज़ है मैंने जो चाहा ना, मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करवाई। बिल्कुल, और मैं ये सोच रहा था पता नहीं कर पाएंगे या नहीं करें, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा दिमाग मैंने भी लगाया, पर इन्होंने कर दिए इनके बंदे ने, और मैंने ओके करा भाई। हाँ सही है, ऐसा नहीं है कि हाँ यार जुगाड़ हो गया वो वाला काम, वो तो सुबह जमा होगी ये, और फिर 12-1 बजे इसके डिलीवरी के साइन होके फिर मुझे लाल कपड़ा कल सुबह इसमें से कपड़ा डालेगा, और फिर वीडियो बनेगा, वहाँ भी वीडियो बनना है। भाई आप भी बता दो, आप भी चुप खड़े हो, आपको कैसा लगा काम? मेरे को भी अच्छा लगा, मैं पहले तो यही सोच के आया था कि हम गाड़ी देंगे और आ जाएंगे, बट इनका जो रेस्पॉन्स है और जो क्लाइंट हैंडलिंग है वो बहुत शानदार है। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो काम ये कर रहे हैं। हाँ। और कोई बाहर से आके काम कर रहा है उसको अलाउ करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, अपने इनका बहुत बड़ा दिल है इस चीज में। जैसे म्यूजिक वाले बाहर से आए थे, मतलब सिस्टम इनका था पर सेटअप उन्होंने करा था भैया ने, वो भी आपके रिकमेंड पे,
तो उनको अलाउ करा रात को 12 बजे तक, बंदे बैठे रहे इनके, तो वो एक मुझे अच्छी चीज लगी। हमारा काम लमसम 10 बजे खत्म हो गया था। हाँ, 10 बजे टोटली सेटिस्फाइड हो। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल भाई। डिस्काउंट नहीं देते पर ये काम अच्छा हो जाता है ना भाई। अब एक बात है, काम अच्छा हो गया तो डिस्काउंट को क्या करना है। 3 घंटे से पटा रहा हूँ, डिस्काउंट नहीं दिया। अब लूंगा थोड़ा सा, ठीक है भाई। अब डिस्काउंट का टाइम आ गया, तो भाई मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिन भाई ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो। मान सम्मान कर देता हूँ, मान सम्मान देता हूँ, क्योंकि देखो जी डिस्काउंट करके तो ऑलरेडी हम रेट बता देते हैं महिंद्रा जनरल पार्ट्स में जो भी होता है, और डिस्काउंट करके आफ्टर मार्केट सामान लगना ही कितना होता है। बाकी जो भी मान सम्मान बिल्कुल रखा जाता है, और आपका भी रखा जाएगा, इस बात से परे नहीं हो आप भी, इतना आपको भी मालूम है। सबसे बड़ी चीज इसके नंबर की कि ये 2024 का पहली रजिस्ट्रेशन, भारत सीरीज का 1 तारीख का नंबर है, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, ये पहला नंबर है 2024 का BS नंबर में, पहला नंबर अपना है। क्या बात है, तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये थी पूरी वीडियो हमारी इस गाड़ी के ऊपर। और ये गाड़ी कौन सी बनी है? S11 Pro Max बनाए, और जेड प्लस भी बोल दो इसमें, जो मर्जी बोल दो। SPG, दिल्ली पुलिस सब लगा कर दिया हमने इस गाड़ी के अंदर। तो ये था इसका पूरा काम। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और भाई दबा के सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करोगे तभी मजा आएगा भाई। दबा के तो सब्सक्राइब करो, पर दबा के आना भी तो होगा जोटो पे। दबा के आओ। अरे जोटो है कहाँ पे? कहाँ पर है? रामा रोड मोती नगर DLF के सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकेशन लेकर के आ सकते हो। चामुंडा भाई और सोनू भाई आपको यहाँ पे मिलेगा हमेशा। बिल्कुल भाई, और आपके सेवा में हाजिर रहे सोनू भाई को भी। तो भाई एंड करते हैं फिर वीडियो आज की।